सुन गए फिर उनकी बतावा, सिख संगत के माहे, राय जोद का सुध दई, अपर सबन के पाहे। सुन गए फिर नकी बतावा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग सतगुरां दी साजी अते निवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ, बहुत ही वड भागे हो जो के संध्या काल दे सजे हुए पावन पवित्र दरबारा अंदर चवर छतर तखत दे मालक गुरता गद्दी पर विराजमान दसो ही पातशाहियां दे आत्मक स्वरूप जाहरा जहूर हाजरा हजूर सर्ब कला भरपूर धन 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 सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साहिब जी दियां पावन पवित्र हाजरियां भर रहे हो। सजे हुए पावन पवित्र संध्या काल दे दीवाना अंदर अमृत रूप चल रही लड़ीवार गोरे इतिहास दी पावन कथा विचार दा समा होया है। संकल्पां विकल्पां दे ताई प्रश्न करदे होया पावन पवित्र कल्याणकारी सतगुरां दा इतिहास गुरु जस सरवण कर लाह प्राप्त करना करिए जी। सो कल दे दीवाना अंदर आप गुरसिख संगतां प्रसंग सरवण कीता कि मीरी पीरी दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह सतगुरु जी धन गुरु श्री गुरु हर राय साहिब जी दे ताई गुरता दा सिंघासन दिया चाहुंदे है अते सतगुरां ने चार ही दिशावां दीयां संगतां कीरतपुर साहिब नगरी आमंत्रित कीतियां जो गुरु हुकम पा के बहुत वड्डी गिनती विच संगतां पधारियां कीरतपुर साहिब नगरी। फगण दे महीने दी पूर्णमाशी वाला दिन आया संगतां ने रल मिल के होली दा त्यौहार मनाया। त्यौहार मनाउण उपरंत एकम वाला जिहड़ा दिन है जद बतीत होया पुन्या तो अगला दिन तो फिर दूज वाले दिन सतगुरां ने आदेश दिता है हुक्म कीता खुला ते वड्डा पंडाल सजे ते पंडाल दे विच उच्चा तख्त लगे चंदोआ ताणो हरेक प्रकार की तैयारी का आदेश देंदिया सब संगतां नूं दीवान विच उपस्थित होण वास्ते गुरां हुक्म सुनाया है। ये प्रसंग आपां पिछले दीवाना अंदर सरवण कर चुके हाँ अगों पावन कथा की आरंभता हो रही है। कल्याणकारी सतगुरां दा इतिहास गुरु जस सरवण कर लाह प्राप्त करना करिए जी। सतनाम
श्री वाहिगुरु साहिब जीओ दोहरा सुन कै फिरियो नकी बताब। सतगुरां दा ए हुक्म सुन के जो नकीब है चोगदार है उन्हें सारी संगत दे विच जा के फिरना कीता, सारी संगत दे विच जाना कीता। सिख संगत के माहे समूह सिख संगतां दे विच जिथे जिथे भी संगतां शिगरां विच बैठियां होईयां सन, कीरतपुर साहिब नगरी दे चार चुफेरे वड्डी गिनती विच संगतां दे शिगर पड़ा लगे होए सन। सब संगतां दे विच गया सिख राय जोध का सुध दई। जोध राय भी आया होया, उसनू जा के सुध सूचना खबर दिती। अपर सबन के पाहे ते अपर होर भी सारयां दे विच जा के गुरु आदेश गुरु हुकम सुनाया। जाओ पई आज लगा है गुर को दरबार। संगतां दे विच गुरु हुकम सुनाया है कि समूह साध संगत गुरु के सिख जनों अज सतगुरां दा वड्डा दरबार लगना है, दीवान सजना है। सगरे आवह सबा मजार ते गुरु आदेश है कि सारियां ही सिख संगतां जिहड़ियां ओह दीवान विच हाजर होण, सारियां सिख संगतां दीवान विच हाजरियां भरन। राओ रंग संगत के सारे संगत दे विचले सारी गुरसिख, चाहे कोई राओ राजा जां रंक गरीब है, पाव कोई धनवान निरतन, हर कोई गुरां दे दीवान विच सतगुरां दे दरबार दे विच हाजर होवो। आए लहें दर्शन सुख सारे ते सारियां संगतां के सतगुरां दे दर्शनां दा जो रस है, आनंद खेड़ा सुख है, उसनू प्राप्त करन। कीरतपुर के चाहुंदे छडेरे कीरतपुर साहिब नगरी दे चार चफेरे संगतां दे डेरे है, शिगर पड़ा हन। गन मसंद जुत सिखन के रे समूह मसंद वखो वखरे इलाकियां दे मसंद वखो वखरे इलाकियां दियां संगतां संयुगत शिगरां दे विच हन। सबहिन को सुध कही पुकार नकीब ने चोगदार ने गुरु आदेश गुरु हुकम सारियां संगतां तक पहुंचाया, सब मसंदां तक गुरां दी ये सूचना पहुंचाई है। सुन पहुंचा है गुर के दरबार ये सतगुरां दा आदेश है कि सुन सुन के सारियां संगतां भाई तू दूजे नूं भी दस दवी, जिन्हों भी जा के नकीब दसदा कहिंदा होर भी जिहड़े गुरसिख इधर उधर गए उन्हां सारियां नूं सूचना दे देनी कि गुरु आदेश है, गुरु हुक्म है कि अज दीवान विच सारे सिख हाजरियां भरन। कोई भी सिख जिहड़ा ओह दरबार विच गैर हाजर ना होवे, सारे ही हाजर होण। बीच बाजार सथंडल चार कीरतपुर साहिब नगरी दे बाजार दे विच सथंडल नाम उच्चा थड़ा है जो बड़ा चार है, बड़ा सुंदर है। ऊपर फरश भयो दिश चार जिस दे चार पासियां ते भी चटाइयां वछाइयां गईयां, पंडाल सजाया गया है ते थड़े देते भी विछाई कीती गई है। सेत चांदनी करी लगावन श्वेत रंग दी
चिट्टे रंग दी चाननी जड़ी है ये भी लाई गई है। तनयो बितान महान सुहावन ते चाननिया दे तले बहुत ही सुहावना सुंदर ते अद्भुत बितान जड़ा चंदोआ है ये भी तानिया गया है। झालर जरी झलकती झूलत जरीदार झालर जड़ी है वो झूल रही है। जरीदार धागे दी सुनहरी धागे दे नाल जड़ी कढ़ी हुई जरीदार झालर है वो झूल रही है, नाले लटक रही है ठानू नाले झूल रही है। कुसम जरी के जथा पर फूलत फिर उस बितान विच चंदोए दे विच जड़े कुसम है फुल है वो भी तिले दे पाव सुनहरी तार दे नाल वो फुलां दी कढ़ाई कीती गई है। मानो जिवें हुणी फुल खिड़े होए होण ऐसे अदुतीय सुंदर फुलां दी चित्रकारी कीती गई है चंदोए दे उपर कारीगर द्वारा। रेशम डोरन ते बहुत नयो रेशम दियां डोरां दे नाल वो चंदोआ ताणिया गया है। बहुत मोल को सुंदर बनियो बड़ा सुंदर है ते बहुत मोल दा बनिया होया है चंदोआ लखां दा चंदोआ बनिया होया है सुनहरी तार दे नाल जिहड़ी है वो कढ़ाई कीती गई है सुनहरी नक्शी उहदे ते लाई गई है बड़ा अदुतीय ते बहु मुल वाला चंदोआ जिहड़ा है वह ताणिया होया है। दिपत अमांदा दीह मसलांदा फिर दिपत दिपत कहिए प्रकाशमान हो रहा है अमंद कहिए बहुत सोहना मंद नाम मलीन नहीं बड़ा उज्जवल दीह वड्डा मसनंद जिहड़ा सिंघासन है गुरता दा तख्त है वह भी बड़ा सजाया होया है तख्त के उत्ते चंदोआ ताणिया होया है ते चंदोए दे तले गुरता दा तख्त सजिया होया है। धार उपर उपदान बिलंद सजी होए तख्त दे उपर उपदान कहिए जिहड़े सिराणे है उपदान वह रखे हुए हन गे पिछे भी सजे खबे दोनों पासियां ते सराने रखे हुए है। लगे ओ मूल बह शोभत आशे ओ मूल लगिया हुआ है जिहड़ी सिंघासन की विछाई कीती हुई है ना तख्त दे सिंघासन की वह भी बहुत कीमती बहु मुल लग के जिहड़ी वह विछाई बनी हुई है। कारीगरन कीन मन बाशे ते कारीगरां ने मन दी बंछ इच्छा नाल पाव मन दी भावना दे नाल बड़े प्रेम नाल कढ़ाई कीती गई है बड़ी सुंदरता दे नाल चादरां विछाई जा चंदोआ बनाया होया है। पायो त्यार सुध जगा सुनाई जदों ये सारा ही त्यार हो गया सज के पंडाल ते सिखा ने सेवका ने जाके शुद्ध खबर सूचना सुनाई है। उठ प्रभ गमन करियो तिस थाई सतगुरु जी तैयारी हो गई है तां गोसाई पृथ्वी दे मालक धन गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह सतगुरु जी उठ के चल पए है। श्री हर राय संग निज लीन ते अपने पोतरे धन गुरु श्री गुरु हर राय साहिब महाराज साहिब जी नू नाल लैणा कीता। मृदुल स्वरूप सो बैस नवीन नवीन नवी उमर है हले किशोरा अवस्था ते बहुत मृदुल कोमल ते अति सौंदर्य स्वरूप है धन गुरु हर राय साहिब जी दा। सूरज मल श्री तेग बहादुर सतगुरां दे सपुत्र बाबा सूरज मल जी
धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी करे हकारन तेहठा सादर बड़े अदब आदर सत्कार नाल अपने साहबजादियां नूं सतगुरां ने हकारिया सद्या आनी राए जोत साब चल आए बाबा अनी राए जी संयुगत तीनों गुरां दे सुपुत्र सतगुरां दे नाल चल के दीवान विच आए है दरबार विच पहुंचे है निज निज दास संग समुदाय निज निज दास संग समुदाय गुरां दे साहिबजादियां दे नाल अपो अपने दास सेवक जिहड़े है वह भी नाल आए है पहुंचे है पाना साहेब ब्रिद की अंश भाई पाना जी जो बाबा बुढ़ा जी दे सुपुत्र है बाबा बुढ़ा जी दे वंशज है ये भी सतगुरां दे नाल है जो होए सिखी अवतंश जो बाबा बुढ़ा साहेब जी सिखी दे अवतंश होए सिखी दे सिरमौर होए जो सिखी दे श्रोमणी होए बाबा बुढ़ा साहेब जी उन्हां दे सुपुत्र भाई पाना जी सिखी दी अवधि है बाबा बुढ़ा साहेब जी सिखी दी हद है बाबा बुढ़ा साहेब जी जिन्हां वर्गा कोई सिख नहीं ऐसे महान पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी गुरसिख बाबा बुढ़ा साहेब जी जिन्हां दे सुपुत्र भाई पाना जी है लेकर साथ नाथ तह गए भाई पाना जी नूं भी नाल लै के स्वामी गुरु हरगोबिंद साहिब जी ते दीवान विच दरबार विच पहुंचे है बंदत गादी बैठत पए जाके गुरता तख्त गुरता सिंघासन गुरता गद्दी नूं नमन कीता गुरु नानक देव जी दे आसन नूं नमस्कार कीते फिर गुरु हरगोबिंद साहिब जी सिंघासन ते सज गए चमर चार चंचल चतुराई बड़ा सुंदर चवर गुरां दे सीस ते चंचल हो रहा है झूल रहा गुरसिख चवर चला रहा है चवरदार गुरसिख ढोरत हंसन समता पाई जदों ढोर दे है फेर दे है चवर ते इयों शोभा बन रही कहिंदे जिवें मानो हंस उडारी भर रहे है उज्जवल हंस हुंदे ने उज्जवल रंग दे मानो हंस उडारियां भर भर के झुक के फिर तानू जा रहे निवके फिर तानू जा रहे है इयों जिहड़े सुंदर उज्जवल केस है चौर दे इस तरह हंसा दी न्याई शोभा पा रहे है सूरजमुखी लीन निज खरे सूरजमुखी जिहड़े है निशान सूरजमुखी जिहड़े है ये भी लै के सजे ते खबे दो जिहड़े है वो सेवक खलोते हुए हन गे जन सूरज दूसर बिद करे मनो के दूसर बिद करे दूसरे जिहड़े सूरज ही है ना यही विधाता ने रच दिते है जां विधि पूर्वक कहिए दो सूरज ही रच दिते है सूरजमुखी होंदे है दो सजे खबे लै के खलोते जां इस तरह सूरजमुखी कहिंदे है पखे नूं भी सो जिहड़े पखे है तिले दी सुनहरी तार दे नाल कढ़े होए ओ पखे जिहड़े लै के सजे खबे सेवक खलोते होए है राए जोद तब चल कर आया हो सतगुरु जी दा ए दीवान सजिया होया जोद राए चल के गुरु हजूरी विच पहुंचे है सुबट समूहन को संग लियायो समूह सुबट सूरमिया नो अपने संगी जिहड़े सूरमे जोध राए दे नाल उन्हां नूं नाल लै के पधारिया चरण सरोजन को कर नमो जोध राए ने गुरां दे पावन श्री चरणा कवलां ते नमन कीता है नमस्कार कीती है निकट होए बैठ्यो तेह समो फिर सतगुरां दे निकट कोल हो के संगत विच
जोध राय जी सज गए बैठ गए है। गुर घर के जोधा गन भारे, गुरु घर दे जेडे भारी वड्डे जोधे है, सूरमे है, महाबली है, बहादुर है। सब चल आए आयुध धारे, सारे दीवान विच चल के आए, शस्त्र धारण किते हुए सारे सूरबीर बहादुर ने ते गुरां दी हजूरी विच पहुंचे है। जो जिस देश मसंद बिलंद, जेड़े भी जिस देश दे वड्डे मसंद हन, संग संगता लै कर ब्रिंद, आपो अपने इलाके दिया समूह संगता नू अपने नाल लै के, पहुंचत पे सब सभा मजारे, सारे मसंद संगतां नूं नाल लै के गुरां दी सभा गुरां दे दीवान दे विच पहुंचे है। कर कर नम सो दर्शन निहारे, आके गुरु चरणा कवलां ते नमन करदे है, नमस्कार करदे है, मसंद भी ते अन्य होर सिख संगतां भी ते नमस्कार करके गुरां दे पावन दर्शनां नूं प्राप्त करदे है। सौंदर्य स्वरूप गुरता दे तख्त ते सजे होए सतगुरु जी, ये सौंदर्य स्वरूप गुरां दा जिहड़ा मानो अमृत है, ते अपने नेत्रां रूपी डोनियां दे नाल संगतां पान कर रहीआं हन, गुरां दे दर्शन करके तृप्ति नहीं आ रही। पुर के पंच जे नर प्रधान, फिर नगरी दे जेडे पंच सनगे चौधरी प्रधान, सर्ब हकारे कर सन्मान, सारिआं दा सन्मान करदिआं सारिआं नूं आदर दिंदिआं सतगुरां सब नूं आमंत्रित कीता, सारिआं नूं सद्दिआ। सुंदर परमानंद आनंदत, बाबा सुंदर जी भी पहुंचे हुए है गोइंदवाल साहिब नगरी तों, बाबा परमानंद जी भी पहुंचे हुए है ते बहुत आनंदत हन, भाव बड़े खुश है। बैठे आए गुरु को बंदत, आके गुरु हजूरी विच बैठे सतगुरां दे चरणां ते वंदना कीती, नमस्कार कीती। चोब दार ले कंचन आसे, जिहड़े चोब दार है उन्होंने हाथ दे विच सोने दीआं चोबां पकड़ियां होईआं। खरे भए गन अगर पासे, सतगुरां दे अगों सनमुख खरे पए खलो गए है, सावधान सुचेत हो के। चाहं दिशमै है दीवान भर गयो, चौं दिशावां तों दीवान भर गया है, सतगुरां दा तख्त उच्चा लगा होया है ते तख्त दे चार चुफेरे ही संगतां दी वड्डी गिनती विच भीड़ा जिहड़ी ओह लग गई है। सब समाज तह आवत भयो, सारा समाज उत्थे आ पहुंचिया, लखां दी गिनती विच संगतां कीरतपुर साहिब नगरी गुरु हुकम नूं पा के पहुंचियां होईआं सन, ते ओह सारियां संगतां ने चार चुफेरे तों ही पंडाल नूं भर दित्ता। शब्द रबाबी एक दिश गावै, एक पासे रबाबी सिख जिहड़े ओह राग दी अलापचारी करदे आ, शब्द कीर्तन गायन कर रहे है। चारण पाठ कबित सुनावै, फिर जिहड़े चारण है बंदी जन जा पट है ओह कबितां विच गुरु उपमा गुरु कुल दी वडियाई करदे होया सुना रहे। चारण बंदी जन पट जिहड़े ओह वड्डियां दा नाम लै लै के वडियाई करिया करदे है। सो इस तरह जिहड़े पट नकीब है पहलों गुरु नानक देव जी का नाम लै के, इस तरह फिर सोढ़ी कुल भूषण गुरु रामदास साहिब जी का नाम लै के, ओ वड्डिया गुरां का नाम सोढ़ वंश के वड्डिया का नाम लै लै के गुरु वड्याई कीर्ति कर रहे हैं।
तिन्ह पुत्र बिठाए तीर। धन गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह सतगुरां ने तीनों सपुत्र बाबा सूरजमल अणी राय ते धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी अपने कोल बिठाए है। श्री गुरु हरगोबिंद बरबीर बर श्रेष्ठ वीर बहादुर गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह सतगुरां। पैसे पंच नारियल एक ते नारियल एक पंज पैसे ते एक नारियर। कह मंगवायो जलद बबेक बबेक कहिए ज्ञान दे जलद कहिए समुंदर। सतगुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह ने नारियल मंगवाया ते पंज पैसे मंगवाए है। साहिब भाने सब विद जानी भाई भाना जी भी कोल ही है तिना ने सारी विधि जान ली है। पठियो दास तियारी निज ठानी सतगुरु जी गुरता सिंघासन बख्शन लगे है ते भाई भाना जी ने भी अपनी तैयारी जिहड़ी ओह कीती है शीघ्रता नाल दास भेजे है सेवक भेजे है। केसर चंदन को कसवाए केसर मंगवाया कुंकम चंदन आदि मंगवा के उन्हों कसवाया रगड़वाया। कलगी जिगा लई मंगवाए फिर जिगा ते कलगी भी भाई भाना जी ने मंगवा ली है। श्री हर गोविंद देख बखाना धन गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी वेख के ते भाई भाना जी नू कहन लगे है। उठा प्रथम अब साहिब भाना कहन लगे भाई भाना जी उठो सर्व प्रथम हुण तुसी उठो। नियम कह आप उठे गुर पूरे इस तरह कहिंदे होया पूर्ण गुरु धन गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह आप उठे है। पौतर बिलोकत श्री मुख रूरे उतरे धन गुरु हर राय साहिब पातशाह जी दा रूरे सुंदर मुखारबिंद वेख रहे है। तीन प्रदक्षिणा फिर कर दीन तीन प्रदक्षिणा कीतियां तीन परिक्रमा लईयां गुरु हर राय साहिब जी नू तख्त ते सिंघासन ते बिठाया होया है ते तीन परिक्रमा कीतियां तीन परिक्रमा लईयां। पैसे पंच नारियल लीन पंज पैसे ते नारियल लैके खरे होए धर भेट अगारी खलो के ए भेटा गुरु हर राय साहिब जी दे चरणा विच रखी जो आदि काल दी चली आउंदी मर्यादा सी क्यों जदों भी गुरता दा सिंघासन बख्श दे धन गुरु पातशाह तां उदों ही पंज पैसे ते नारियल रख के मत्था टेक दे। नारियल श्री फल है समस्त फलां दे विचों ही श्रोमणी फल है इस वास्ते नारियल ते नाल पंज पैसे रख के गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी नूं गुरता सिंघासन बख्शिया। यही प्रथा परंपरागत चली आ रही सी इसी प्रथा नूं निभाउंदिआं धन गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह सतगुरां ने धन गुरु हर राय साहिब जी दे अगों ये भेटा रखी है पंज पैसे ते नारियल ते नमस्कार कर दिती है। हाथ जोर कर बंधन तारी दोनों हाथ जोड़ के धन गुरु श्री गुरु हर राय साहिब जी दे चरणा ते वंदना कीती गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने। पुन साहिब भाने के टीका की टीका फिर भाई भाना जी ने गुरता दा जो टिक्का है गुरता दा जो तिलक है वह गुरु हर राय साहिब जी दे लाया है। कीन स कुल सोडी महनीका ते सोडी कुल दे विच नीके बना दिता है गुरु हर राय साहिब जी सोडी कुल विचों सर्ब श्रोमणी हो गए है। पौन साब सों गुर कही सुनाए फिर सतगुरां
सारिया संगतां नूं सुणाउंदिआं होइआं हुकम करदिआं आदेश करदिआं कहा माम साम आव जन हो हर राए। सारी संगत लखां दी गिणती विच संगतां एकत्रित हन, हजारां नहीं लखां दी गिणती विच संगतां दा इकट्ठ है कीरतपुर साहिब नगरी। ते सारी संगत दे विच सतगुरु जी वचन कर रहे हैं कि हुण साडा ही सरूप करके जानना इन्हां नूं, गुरु हर राय साहिब जी नूं साडा ही सरूप करके जानना। सगल मसंदन पेख सुन बैन। ते उठ के सारी संगत आ के गुरु हर राय साहिब जी नूं नमस्कार करे, सब संगतां नतमस्तक होण ते सुन के जितने भी मसंद हन अद्भुत रास्ते फुल्यत नैन। अद्भुत कहिए अजीब अश्चर्यता परे रस आनंद खेड़े खुशी दे इस समय नूं वेख के सारे मसंदां दे नेत्र खिले हुए है, प्रसन्न है, सबना दे मन दे विच बड़ी खुशी है। देहे अंत गुर को पहचानियो। ते नाल ही ये भी विचार आए है सिखां दे मन दे विच कि जे गुरता दा सिंघासन बख्श रहे है तां अवश्य ही सतगुरां दे सचखंड नूं गवन करन दा समां भी आ गया, क्यों यही मर्यादा वड्डियां गुरां तों चली आ रही है कि जदों भी गुरता दा सिंघासन बख्श दे तां फिर अल्प समय मगरों ही आप परम ताव नूं प्याना कर जांदे। सो जिथे गुरता दा सिंघासन गुरां बख्शिया संगत विच बड़ी खुशी नवा उलास खिड़ा, उथे जिहड़े गुरसिख है उहनां दे मन विच इह भी विचार है कि सतगुरु जी हुण सचखंड नूं चले जाणगे। जिस ते तखत दीन कौ ठानियो। जिस कारण करके गुरता दा तखत गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने बख्श दिता है। परमेश्वर की अचरज बात। परम ईश्वर अकाल पुरख दे कौतक बड़े अश्चर्य है, बड़े हैरानी जनक है। देखा हो कहां भई बख्यात। परमेश्वर दे साक्षात्कार स्वरूप है ना गुरु नानक देव जी, ओही जोत है छेवें जामे विच वरत रही जो दसवें जामे विच हुण प्रवेश हो चुकी है। वेखो कि कैसी अश्चर्यता भरी गल है, बख्यात प्रगट ही। गुरता उचता श्री गुरदित्ता। सतगुरां दे वड्डे सुपुत्र बाबा गुरदित्ता जी गुरता दे उचित सन, लायक सन, सब तरह करके योग सन, अधिकारी सन, सहनशीलता जल शक्ति नूं जरना हर पक्ष तोना विच गुरु वाले गुण पाई दे सन, जो गुरता दे लायक सन, योग सन। प्रथम परलोक पंथ को लिता। उन्होंने धन गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह सतगुरां तों प्रथम ही परलोक दा पंथ रस्ता लै लिया, भाव परलोक नूं चले गए। बड पोतरे कीन सकृत खोटे। ते वड्डे पोतरे बाबा धीर मारने भी बड़ी खोटी कृत कीती, चंगी काम कृत चंगा काम नहीं कीता उन्ने भी। मालक तखत सबन ते छोटे। ते तखत दे मालक सारिआं तों छोटे जिहड़े उन्हां नूं बना दित्ता है गुरु हर राय साहिब जी, जो सब तो छोटे है पोतरे है उन्होंने गुरता दे मालक बना दिता, गुरता दे तख्त दे स्वामी बना दिता। तीन सोत टिग बैठे रहे। तिने सुपुत्र वेखो कोल बैठे हुए है। श्री हर राय परम पद लहे। परंतु ये जड़ी परम पदवी है, ये जड़ी गुरता दी वड्डी पदवी है, ये गुरु हर राय साहिब जी नूं ही बाणाई है।
इहदे लायक योग गुरु हर राय साहिब जी ही होए है। वेखो किड्डे अश्चर्जता भरे कौत क्यों संगतां जिहड़ियां आपस विच बचन बिलास करदियां गुरु दी अश्चर्जता दी महिमा गाउंदियां गुरां दे अश्चर्जता भरे कौतकां दी कीर्ति गायन करदियां संगतां कह रही हैं कि कैसे अश्चर्ज कौतक पुत्र बाबा गुरदित्ता जी दे जो छोटे सुपुत्र गुरु हर राय साहिब जी सब तो छोटे है किंतु सब तो वड्डे तख्त दे मालक बना दिता है। सब तो छोटे है किंतु सब तो वड्डे बना दिता है। वड्डी हो वड्डा पार तेरा मरतबा वड्डा मरतबा उदा दे दिता क्योंकि वह आसन है सब ते वड्डा सतगुर नानक सारिया तो जो वड्डे गुरु नानक देव जी उन्हां दा आसन है ते उस आसन ते तख्त ते बिठा के सारिया नालों सर्ब श्रोमणी बना दिता है। ये परम पद वड्डी पदवी जिहड़ी है वह गुरु हर राय साहिब जी दे ताई प्राप्त हो गई है। यम कह सकल मसंद सो संगत इस तरह कह के सारे मसंद ते सारिया संगतां उठे सो भेट देन तर पंगत पंगत छड़ के भेटा देन वास्ते उठे बड़िया खुशी प्रसन्नता नवा हुलास संगत विच बनिया होया ते जथा शक्त भेटावां लियांदियां संगतां नजराने गुरु हर राय साहिब जी दे चरणा विच हाजर कर रहे है। कीन तिलक केसर बर चंदन मस्तिष्ट ते गुरु हर राय साहिब जी दे केसर चंदन दा तिलक लगा होया है जो बाबा भाई पाना जी ने लाया होया है ते लगा होया तिलक जिहड़ा मस्तिष्ट दे उपर गुरां दी अद्वितीय शोभा नूं वधा रहा है। हाथ जोर कर ठानी बंदन सब संगतां ए नवें सौंदर्य सरूप ते गुरु हर राय साहिब जी दे दर्शन कर करके वंदना कर रहे आपो ही सिर झुकी जा रहे है। गुरां दा तेज प्रताप वेख के आपो ही सिर नीवी जा रहा है ते नजराना पेटावां संगतां लिया के हाजिर कर रही हैं। क्यों सारी संगत ने कतार विच लग के बिना धक्का मुक्की तो भीड़ बहुत वड्डी लखां दी गिणती विच इकट्ठ है किंतु गुरु हुकम दे अनुसार सारे सिख दीवान विच पहरा भी दे रहे हैं। गुरां दे प्यारे बड़ी तरतीब नाल कतार विच संगत आ रही हैं ते सब नूं मौका मिल रहा दर्शन करन दा सब नूं समा मिल रहा नतमस्तक होण दा कोई धक्का मुक्की भी नहीं हो रहा। भीड़ बहुत है किंतु बड़ी नियमावली बनाई हुई है बाबा सूरजमल जी उन्होंने इस तरह बाबा लाल चंद जी उन्होंने बाबा विधि चंद जी दे सुपुत्र सारा प्रबंध बहुत सुचजे ढंग ना कीता होया कोई दर्शना तो वांझा ना रवे धक्का मुखी ना होवे बड़े प्रेम नाल सारी संगत वारी वारी जाके दर्शन कर रही है ते आनंद प्रसन्न हो रही है। सुसाध संगत कथा विचार की समाप्ति करते हैं। तो शुभि दासा की सुभावक अनेक प्रकार गलतियां हो गई साधु संगत बख्शन योग है कृपा करके बख्श लेना। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी श्रेष्ठ मत देन वाले हैं अगे वास्ते शुद्ध कथा विचार करने की बुद्धि बख्शन सभी ही संगत लोग सुखीए परलोक सहेले कर कीन तिलक केसर बर चंदन हाथ जोर कर ठानी बंदन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश हे पूर्ण सर्व।